शायद 1 करोड़ से ऊपर ही है। काल जी, मैं तो राजा हिलात आया हूँ बांस गांव में। हमारे साथ आज जैसा कि देख पा रहे तस्वीरों में, यहाँ प्रधान जी बैठे हुए गोविंद जी, आइए करते हैं इनसे बातचीत। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य विकास के प्रधान जी करवाना चाहते हैं? तो नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार गोविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या तो गाँव के तो शमशान घाट की चार दीवारी की है, एक दो लिंक रोड की समस्या है, और तो जनरली जो थोड़ी बहुत समस्या होती है वो तो होती है गाँव। प्रधान जी आपने प्रस्ताव में क्या क्या दिया है? प्रस्ताव में हमने लिंक रोड का दिया है, पीने के पानी का स्टोरेज बढ़वाने का दिया है, और एक दो जो ढाणियों के रस्ते हैं उनके लिए दिया है। लिंक रोड का कौन सा दिया है? लिंक रोड का दिया हमने बास से शादी पर, जो हमारे गुड़ियाणी को कनेक्ट करेगा। उसमें मतलब रोड खराब हो चुका है? नहीं, वो बनाया नहीं है, दो किलोमीटर टुकड़ा रह गया उसमें। ये रोड आपकी जो पंचायत के डिपार्टमेंट में आता है, ये तो अलग डिपार्टमेंट हो गया। मार्केटिंग बोर्ड से प्रस्ताव दिया, मार्केटिंग कमेटी से, मार्केटिंग कमेटी। और दूसरा, और इसके अलावा और क्या कह दिया था आपने? एक दो ढाणी है, उनमें चौमासा के अंदर बरसात के समय में बड़ी भारी समस्या आ जाती है आने जाने की। जो आपने शमशान घाट का बताया उसमें शेड नहीं है? चार दीवारी नहीं है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है। ठीक है, ठीक। गर्मी का मौसम आ चुका है, पानी की खपत ज़्यादा, प्रधान जी आपने पता है, तो कितना समय पानी आता है गांव में? हम एक दिन छोड़ एक दिन पानी दे रहे हैं गाँव में, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि ओलावृष्टि के कारण और बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी, तो आपके यहाँ पर तो किसानों की दशा कैसी है? किसानों की दशा ठीक है, लेकिन वो जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी कर दी है सरकार, और आश्वासन दिया है कि हम जल्दी किसानों को राहत देंगे, मुआवजा देंगे। कितना परसेंट नुकसान था? लगभग 30-35% नुकसान, 30-35% नुकसान था, तो गिरदावरी हो गई सारी, गिरदावरी। और जो पेड़ पिछली फसल का मुआवजा मिल गया था किसानों को? हाँ, कपास मिल गया था, जो गाँव में शिक्षा स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर तो ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल है उसके अंदर तो बच्चे ही नहीं, हम उसमें तो क्या कह सकते हैं। मतलब बच्चों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है सरकारी स्कूल में, और कौन सी क्लास तक स्कूल है? प्राइमरी तक स्कूल है, और उसके लिए तो माँ बाप भी ये कहें कि हम भाई वेल एजुकेटेड टीचर हैं सरकारी में, वहाँ भेजें, और शिक्षा के ऊपर जो बहुत भारी खर्चा होने लगा है उससे भी राहत मिल जाएगी। और ये तो किसानों का गाँव है तो उनके लिए तो सरकारी स्कूल ज़्यादा बेटर होगा। एक हमने कुछ गांव में देखा है, जैसे परिवार पहचान पत्र में ग्रामीणों की शिकायत रहती है कि उसमें खामियां हैं, तो आपके यहाँ पर कोई इस प्रकार की समस्या है या नहीं है? ये समस्याएं आई हैं, बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों की इनकम चढ़ा दी, वो नहीं, ये ही नहीं पता कि उन्होंने चढ़ाई किस वजह से चढ़ाई, कहाँ क्लरिकल मिस्टेक हुआ है, लेकिन वो पीछे दुरुस्त कर दिए गई है। मतलब उनका समाधान हो गया? हाँ, समाधान हो गया उनका। और गांव में जैसे कुछ गांव में देखा है गरीबों के जैसे मकान हैं, उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मतलब जैसे रिपेयरिंग का काम हुआ है, उनका हो चुका है या नहीं हो चुका है, और उनका सर्वे हुआ है नहीं हुआ? नहीं, वो सर्वे नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं लागू कर दी पहले से ही। अच्छा, वहाँ डॉक्टर बैठा दिए हैं। अच्छा, और बिल्डिंग के लिए फंड जारी कर दिया, और उसके लिए पंचायत ने जमीन दे दी है। कितना फंड आया? लगभग शायद 1 करोड़ से ऊपर ही है। एक तो जो स्टेडियम है उसका सुधारीकरण होना चाहिए, दूसरा कोच वगैरह की प्रबंध कर दे सरकार तो, और ज़्यादा स्टेडियम है आपकी? स्टेडियम है तो हालत कैसी है स्टेडियम की? स्टेडियम की हालत जर्जर हो रही है। अच्छा, और उसमें कोच वगैरह के अगर प्रबंध हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो जर्जर हालत है स्टेडियम की, इसको लेकर आप किसी अधिकारियों से मंत्रियों से मिले हो? हाँ, मिले हैं। तो क्या आश्वासन मिला सर आपको? उन्होंने दिया आश्वासन कि हम ठीक करा देंगे। तो आपको उम्मीद है मतलब जल्द ही आपको नया स्टेडियम मिलेगा, उसके हालत जो है उसमें रिपेयरिंग का काम शुरू होगा? जी, जैसे हमने देखा है कुछ गांव में जो तालाबों की स्थिति है वो खराब हो चुकी है, और सरकार भी चाहती है तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाना, तो आपके यहाँ पर तालाबों की स्थिति कैसी है? तालाब की हालत ठीक नहीं है, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है, और अभी सरकार ने आश्वासन दिया कि अगले बजट में हम उसका सौंदर्यीकरण कर देंगे और उसकी छटाई कर देंगे। तालाब का क्या क्या कार्य होना बाकी है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि तालाब सौंदर्यीकरण ना होने का, एक तो पानी का लेवल जो है वो 4 फुट पर है, तो हम उसको तालाब को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाए। मतलब 4 फुट नीचे पानी है? हाँ, तो उसका पानी तो सूख नहीं रहा। अच्छा जी, सूखता नहीं, चौबा है, चौबा और पानी गंदा हो चुका है।
पानी तो उसमें गंदा ही जा रहा है, एक ही गांव में जोड़ है उसमें गंदा है पानी जा रहा है, सारे गांव का पानी निकासी वही हो रही है, जिसके कारण पशु पीने का लायक नहीं, पशु पीने लायक नहीं। मैं बताइए कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे गांव में पार्क होना चाहिए या होना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, बना दे पार्क तो हम तो अपने रोड पे ही घूमे वहाँ से बना दे। तो गांव में बैंक है नहीं? डाक को डहाना में बैंक बैंक रतन थल से डाखाना हुआ एक दिन यहाँ पार्क की फसल उगाड़ती थी तो गौशाला नहीं है, गौशाला हम तो गवा जाए तो फिर आ जाए।